नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, जो कि 6 मई से लेके 6 जून 2020 तक फॉर्म फिलअप होगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है, जो भी इस पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने पिछले साल 2019 में पूछे गए होम्योपैथिक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ए पेशेंट कंप्लेंस ऑफ पेन इन एपिगैस्ट्रियम वर्स एट 3 AM अकॉर्डिंग टू बोनिन हसन स्कीमा ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी दिस सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑप्शन नंबर ए UBI एंड क्योर, ऑप्शन नंबर बी क्यूमोडो एंड क्वांडो, ऑप्शन नंबर सी UBI एंड क्वांडो, ऑप्शन नंबर डी क्योर एंड क्यूबिस एक्जुलिक्स। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी UBI एंड क्वांडो। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेडी हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय हैनीमैन इन केस ऑफ बिनुमेड स्टेट ऑफ नर्व्स इन वन साइडेड डिजीज। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए OPM, ऑप्शन नंबर बी वेलेरिना, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रामोनियम, ऑप्शन नंबर डी सोरिनम। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए OPM, ऑप्शन नंबर ए OPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केंट्स ऑब्जर्वेशन इज द एंटीडोटल रिलेशनशिप ऑफ रिमेडीज कॉल्ड फॉर। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी थर्ड, ऑप्शन नंबर सी 9th एंड ऑप्शन नंबर डी 11th। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अकर्स ड्यूरिंग सेकेंडरी एक्शन। ऑप्शन नंबर ए स्टूपीफाइड स्लीप कॉज्ड बाय OPM, ऑप्शन नंबर बी पर्सन हीटेड आफ्टर वायलेंट एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर डी स्लजिसनेस एंड ड्रजीनेस आफ्टर यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी, ऑप्शन नंबर डी हीट प्रोड्यूस्ड बाय ड्रिंकिंग वाइन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्लजिसनेस एंड ड्रजीनेस आफ्टर यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन वन साइडेड मेंटल एंड इमोशनल डिजीजेज ट्रांसिएंट एलिविएशन ऑफ फिजिकल डिजीज विथ इमरजेंस ऑफ कॉर्पोरियल सिम्टम अकर्स ड्यूरिंग। ऑप्शन नंबर ए एक्यूट मेनिया, ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी स्टेज ऑफ सिफिलिस, ऑप्शन नंबर सी आइसोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर डी ल्यूसिड इंटरवल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ल्यूसिड इंटरवल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग परसीव्ड द लॉ ऑफ सिमिलर्स प्रायर टू डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी. ऑप्शन नंबर ए स्थल, ऑप्शन नंबर बी सिडेनहम, ऑप्शन नंबर सी मोरगनी, ऑप्शन नंबर डी फ्रैकास्ट्रो. तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्थल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच एक्शन ऑफ मेडिसिन डज होम्योपैथिक अग्रावेशन टेक प्लेस. प्राइमरी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेटिंग एंड ऑप्शन नंबर डी टर्टियरी. दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. मैच द फॉलोइंग, दोस्तों इसमें मैच करना है जेटी केंट डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, होराशे सीरीज ऑफ डिग्रीज और पार्सेलस एड्यू सफरे. तो दोस्तों इसका सही मिलान क्या होगा, इसका सही मिलान है ऑप्शन नंबर बी इसमें दिखा रहा है वो सही मिलान है ऑप्शन नंबर बी में क्या है जेटी केंट ऑप्शन नंबर बी को मैच करता है और होराशे ऑप्शन नंबर दू ऑप्शन नंबर सी को मैच करता है और पार्सेलस ऑप्शन नंबर ए को मैच करता है. तो ये हो गया जेटी केंट सीरीज ऑफ डिग्रीज, होराशे एडू शेपरे एंड पार्सेलस डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर. दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is the most important indicator of commencing amelioration of aggravation in a patient? Option number A, condition of local pathology. Option number B, state of mind and whole demeanor of the patient. Option number C, appearance of skin eruptions. Option number D, increase in ESR level. Dosto, iska करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टेट ऑफ माइंड एंड होल डिमिनर ऑफ द पेशेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मियाजम वाज डिस्क्राइब्ड बाय हैनीमैन एज हाइड्रा हेडेड. ऑप्शन नंबर ए शोरा, ऑप्शन नंबर बी साइकोसिस, ऑप्शन नंबर सी सिफिलिस एंड ऑप्शन नंबर डी स्यूडो शोरा. तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए शोरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उसे ट्रू एंड फॉल्स करना है. स्टेटमेंट में है यू आर टू एग्जामिनी द टू स्टेटमेंट केयरफुल्ली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. एसरटेन का सिंबल एस है. ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग ऑल सलाद्स एंड मेडिसिनल हर्ब सोप्स शुड बी टेकन रेगुलरली. रीजन का कोड है आर डैट शुड बी प्योरली न्यूट्रियस एंड ऑफ सिंपल कैरेक्टर ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी है. एस इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेडी इज गिवन आफ्टर अर्निका इन ट्रॉमेटिक अफेक्शंस ऑफ ओवेरीज. ऑप्शन नंबर ई ए बेलिस पेरेनिस, ऑप्शन नंबर बी कोनियम मैकुलेटम, ऑप्शन नंबर सी सोरिनम, ऑप्शन नंबर डी हमा मेलिस. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी हमा
सॉरी सोरीनम, ऑप्शन नंबर सी सोरीनम, ऑप्शन नंबर सी सोरीनम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट प्रेजेंट विथ सिम्टम्स ऑफ कोलैप्स, एक्सट्रीम कोल्डनेस एंड वीकनेस, कोल्ड प्रेस्पिरेशन ऑन द फोरहेड वॉज वेरी मार्क्ड, देर इज हिस्ट्री ऑफ सीवियर वोमिटिंग, पर्जिंग एंड क्रेम्स इन एक्सट्रीमिटीज, पेशेंट हैज थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर विथ क्रेविंग फॉर फ्रूट्स जूस एंड कोल्ड थिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी इज इंडिकेटेड। द ऑप्शन नंबर ए कुप्रमेट, ऑप्शन नंबर बी कार्बोवेज, ऑप्शन नंबर सी कैम्फर एंड ऑप्शन नंबर डी वेरेटर एल्बम। तो इसमें करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वेरेट्रम एल्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्टिपेशन ऑफ इन्फेंट्स, कंस्टिपेशन ऑफ इन्फेंट्स ड्यूरिंग डेंटिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्शन नंबर ए साइलेशिया, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशिया मयूर, ऑप्शन नंबर सी साइनिकुला, ऑप्शन नंबर डी कॉस्टिकम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशिया मयूर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सीवियरली एनेमिक पेशेंट कंप्लेंट ऑफ पैरालिसिस ऑफ एक्सटेंसर ऑफ फोर आर्म एंड प्रोग्रेसिव इमेशिएशन, पेशेंट हैज अ फियर ऑफ बीइंग असैसिनेटेड, देर इज अ डिस्टिंक्ट ब्लू लाइन ऑब्जर्व्ड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ गम विथ ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन एंड एबडोमिनल कॉलिक, विच इज द मोस्ट सूटेबल रिमेडी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पलम्बम मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विलियम बोरिक दिस रिमेडी कैन बी गिवन व्हेन पल्सेटला फेल इन स्कूल गर्ल्स, ऑप्शन नंबर ए कैल्केरिया फॉस, ऑप्शन नंबर बी नेट्रम मयूर, ऑप्शन नंबर सी कालीकार्प, ऑप्शन नंबर डी कैल्केरिया कार्प। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैल्केरिया कार्प, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट सुटेबल रेमेडी फॉर प्रोफ्यूज वाटरिंग फ्रॉम आइज आफ्टर एक्सर्शन ऑफ सिंडर्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एकोनाइट नेपेलस, ऑप्शन नंबर ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Children get sick in the evening when sitting before an open coal fire or falling asleep there. This symptom belongs to which remedy? Option number A Glonine, option number B Natrum Carb, option number C Ferrum Met, option number D Belladonna. And the correct answer of this question is option number A Glonine. ऑप्शन नंबर ए ग्लोनोइन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीना फॉलोज दिस रिमेडी वेल इन इंटरमिटेंट फीवर, ऑप्शन नंबर ए एपिका, ऑप्शन नंबर बी कैप्सिकम, ऑप्शन नंबर सी चाइना ऑफिसियन और ऑप्शन नंबर डी नेट्रम मयूर। द नेक्स्ट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी कैप्सिकम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लीप्स विथ वन लेग ड्रॉन अप एंड द अदर स्ट्रेच्ड आउट, दिस पोजीशन ऑफ स्लीप इज सीन इन विच रिमेडी, ऑप्शन नंबर ए रोडोडेंड्रन, ऑप्शन नंबर बी प्लाटिना, ऑप्शन नंबर सी एस्टेनम मेटालिकम, ऑप्शन नंबर डी पल्साटिला। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी एस्टेनम मेटालिकम।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेमेडी इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्लेंट्स फॉर स्ट्रेनिंग एस्पेशली द फ्लेक्सर टेंडन्स. ऑप्शन नंबर ए रस्टक्स, ऑप्शन नंबर बी बेलिस पेरेनिस, ऑप्शन नंबर सी रूटा ग्रेवेलियंस एंड ऑप्शन नंबर डी अर्निका माउंटेना. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी रूटा ग्रेवेलियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साल्ट वाज डिस्कवर्ड बाय ग्लूवर इन 1658 एंड इज नेम्ड एज सल मिरावल. ए सैनिकुला, बी नेट्रम सल्ट, सी मैग कार्प, डी नेट फॉस. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेट सल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एबसेंस ऑफ पेन एंड मस्कुलर मोबिलिटी स्पेशली इन मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ लोकोमोशन इज एन इंडिकेशन ऑफ. ऑप्शन नंबर ए ओपियम, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रमोनियम, ऑप्शन नंबर सी लैक्निनम, ऑप्शन नंबर डी बेलाडोना. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट. दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए छोड़ दिया है. ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, द रेमेडी फॉर क्रोनिक कंप्लेंट्स दैट डेट बैक टू सेप्टिक कंडीशन इज. ए टेरेंटुला क्यूबेंसिस, बी पायरोजिनम, सी आर्सेनिक एल्बम एंड डी वेरिलियोनम. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी पायरोजिनम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ फार्मेसी डील्स विथ द रिपीटिशन ऑफ डोज. फार्माकोपोलॉक्सी, फार्माकोगोनॉक्सी, फार्माकोपैराक्सी, फार्माकोनोमी. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फार्माकोपोलॉक्सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग पावर ऑफ क्लास थर्ड ऑफ ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर इज 1/2, 1/6, 1/10 and 1/100. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/6, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर टिंचर आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ अल्कोहल. एब्सोल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्प्रिट 40 OP एंड रेक्टिफाइड स्प्रिट 60 OP. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग अल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल फ्लास्क मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसीज इज कॉल्ड. कोर्साकोवियन एटिन्यूएशन, हैनीमेनियन एटिन्यूएशन, जेनिकन्स एटिन्यूएशंस, स्किनर्स एटिन्यूएशंस. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए कोर्साकोवियन एटिन्यूएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर सॉल्यूशन इन 50 मिलीस्मल स्केल ऑफ पोटेंसीज द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी 1.4.95%. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
concentric circles of similarities as suggested by Jocelyn is maintained in which of the following repertory? Kent repertory, Bonin Hassan's therapeutic pocketbook, Bogar Bonin Hassan's characteristic ants repertory, Kenner repertory. And the correct answer is option number B, Bonin Hassan's therapeutic pocket book. Next question is total number of drug in the concordances section of Bogar Bonin Hassan's characteristic and repertory are 125, 141, 362, 464. And the correct answer of this question is option number A, 125. Next question is Mukesha Bholi TNS is found in which chapter of Kent repertory? Mind, Vision, Eye, Generalities. And the correct answer of this question is Vision, option number B. Next question is match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below. List 1 repertory and list 2 gradation of medicine. First hai Rubin Murphy's repertory A1, Boric repertory B3, J.H. Clark repertory C4, synthetic repertory D2. And the codes of this option, these options, and the correct option of this question is option number D. Option number D, Rubin Murphy repertory matched D, and Boric repertory matched, Rubin Murphy repertory is matched by B. Boric repertory match by A. This, and the correct answer is of this answer is option number D. Next question, in Kent repertory of homeopathic materia medica, the rubric apoplexy is given in which of the following chapter? Abdomen, vertigo, generalities, head. And the correct answer of this question is generalities, option number C. And the next question is, who among the following is author of the work Sensation as If? O.M. Dark, H.A. Roberts, H. Parkins, E.B. Nash. And the correct answer of this question is option number B, H.A. Roberts. Next question, in which of the following chapter of BBCR the rubric carpology is given? Extremities, mind, sensation and complaints in general, conditions of aggravation and amelioration in general. And the correct answer of this question is sensation and complaints in general, option number C. Next question is, in which subsection of Bonin Hassan's therapeutic pocketbook the rubric qual minist is given? Hunger and thirst, mouth and ficus, nausea and vomiting, eructation. And the correct answer is nausea and vomiting, option number C. Which of the following authors car repertory is primarily based on Kent repertory? Marcos Jimenez, Margaret Tyler, P. Sankaran, W. Warwick. And the correct answer of this question is Margaret Tyler, option number B. Next question is, in which year was the Times of Remedies
एंड मूस फेजेज बाय डॉक्टर बोगर पब्लिश्ड? ऑप्शन नंबर ए 1900, ऑप्शन नंबर बी 1906, ऑप्शन नंबर सी 1915, ऑप्शन नंबर डी 1931। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1906 एंड 1931, बी एंड डी। इन विच चैप्टर ऑफ बीबीसीआर द रूब्रिक वुंड्स गनशॉट इज गिवेन? स्किन एंड एक्सटीरियर बॉडीज, सेंसेशन एंड कंप्लेंस इन जनरल, हेड, कंडीशंस ऑफ एग्रावेशन एंड एम्बुलेशन इन जनरल। एंड द करेक्ट आंसर इज स्किन एंड एक्सटीरियर बॉडी, ऑप्शन नंबर ए। द अर्लीस्ट ईसीजी चेंज इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज डेवलपमेंट ऑफ क्यू वेव, डिमिनिशन इन साइज ऑफ आर वेव, एसटी सेगमेंट डेविएशन, टी वेव इंसर्शन इन्वर्सन्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एसटी सेगमेंट डेविएशन, ऑप्शन नंबर सी। ए पॉजिटिव निकोल स्काई साइन विल बी फाउंड इन केस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए लाइकन प्लैनस, ऑप्शन नंबर बी सोरायसिस, ऑप्शन नंबर सी फेम्बाइगस एंड ऑप्शन नंबर डी SLE। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फेम्बाइगस, ऑप्शन नंबर सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन वायरल कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस इज एच पाइलोरी, बी साइटोमेगालोरो वायरस, सी हेपेटाइटिस ई, अंडी इंट्रोवायरस। एंड द करेक्ट आंसर इज डी इंट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आर फीचर ऑफ COPD एक्सपेक्ट, स्मोकर कफ, डिजनिया, हेमोप्टाइसिस, क्लबिंग ऑफ नेल्स। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी क्लबिंग्स ऑफ नेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायग्नोसिस ऑफ अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ सीजर्स, मेंटल रिटार्डेशन एंड सीवेसियस एडिनोमा इज, ए ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, बी हाइपोथायरॉइडिज्म, सी टॉक्सोप्लाज्मोसिस, डी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्यूबरकुलर एस्क्लेरोसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम इज कैरेक्टरिस्टिक बाय, ए इप्सिलेटरल लॉस ऑफ पेन, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पोजिशन सेंस, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ टेम्परेचर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ टेम्परेचर। रॉन्ग मैचेज पेयर इज, ए इलेक्ट्रिक अल्टरनेंस एंड कार्डियक टेम्पोनेंट्स, पल्स अल्टरनल्स एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, विल्सन सिंड्रोम एंड अनस्टेबल एंजाइना, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस एंड रोज स्पॉट्स। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस एंड रेड स्पॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन दिस सीरीज द टेस्ट टू डिफरेंशिएट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज इज, ए सीरम आयरन, बी सीरम प्रेटिनिन, सी TIBC, डी ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सीरम फेरेट्रिन एंड
TIBC. So the option number B and C is both are correct. The characteristic chromosomal abnormality found in case of Down syndrome is trisomy 21, trisomy 18, trisomy 15, trisomy 13. And the correct answer of this question is option number A, trisomy 21. Who is not transmitted via breast milk? Hepatitis E, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D. And the correct answer is hepatitis A and C. Both are the true option. Keratoderma balanohagicum is characteristically associated with reactive arthritis, ankylosing spondylitis, SLE, rheumatoid arthritis. And the correct answer is reactive arthritis, option number A. Next question. After a minor head injury, a young patient was unable to close his left eyes and had drooling of saliva from left angle of mouth. He is suffering from which nerve injury? Third, fifth, seventh, third and seventh. And the correct answer of this question is option number C, seventh cranial. Option number C, seventh. Next question. Hyperextension of hip joints may induce abdominal pain in pelvic appendicitis, post-iliac appendicitis, retrocecal appendicitis, and chronic cholecystitis. The correct answer is option number C, retrocecal appendicitis. Next question is the most frequently encountered neoplasm of the anterior mediastinum in adult is lymphoma, mediastinal granuloma, thymoma, Gram cell tumor. And the correct answer of this question is thymoma, option number C. Next question. Which among the following is not the feature of fracture of neck of femur? Internal rotation of leg, shortening of leg, tenderness in groin, active strength leg raising not possible. And the correct answer of this question is option number A, internal rotation of leg. Next question is Charcot's thread is seen in cholangitis, appendicitis, acute gastric, peptic ulcer. And the correct answer of this question is cholangitis, option number A. Next question is Murphy sign is positive in acute cholecystitis, pancreatitis, acute cholangitis, and acute appendicitis. And the correct answer of this question is acute cholecystitis, option number A. Among the following mammography findings, which one is not a feature of breast cancer? And the correct answer is what? Dosto, ye question bhi aapke liye comment box mein dena hai iska answer. So please give me correct answer comment box mein de. Next question. A previously healthy child of age 2 years presented with colicky pain and vomiting, and between the episodes the child was passing red
करेंट जेली स्टूल ऑन एग्जामिनेशन द चाइल्ड वॉज डिहाइड्रेटेड विथ एबडोमिनल डिस्टेंशन एंड हैड ए पल्पेबल मास ऑन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एबडोमेन द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस केस इज कॉन्जेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस इंटरसेप्शंस इस्केमिक कोलाइटिस एंड डी अपेंडिसाइटिक एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटरसेप्शन ऑप्शन नंबर बी. विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज ड्यू टू डोर्सल स्कैपुलर नर्व पाल्सी सुप्रा स्कैपुलर नर्व पाल्सी लॉन्ग थोरेसिक नर्व पाल्सी मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व पाल्सी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग थोरेसिक नर्व पाल्सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेल फ्लैल चेस्ट इज डिफाइंड एज ब्लंट मायोकार्डियल इंजुरी पेरिकार्डियल टेम्पोडेंटेड इंजुरी टू वन रिब थ्री और मोर रिब फ्रैक्चर्स इन टू और मोर प्लेसेस एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी थ्री और मोर रिब फ्रैक्चर्स इन टू और मोर प्लेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन फीटल पोल एंड कार्डियक एक्टिविटी कैन बी डिटेक्ट बाय ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बाय सिक्स वीक सेवेंथ वीक टेंथ वीक ट्वेल्थ वीक एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए सिक्स वीक. नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिज विथ एक्सटेंडेड लेग इज ऑल्सो नोन एज फ्लैक्स्ड ब्रिज फ्रैंक ब्रिज फ्लोटिंग प्रेजेंटेशन नी प्रेजेंटेशन एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रैंक ब्रिज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पीक लेवल ऑफ LH रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 75 NG पर ML. द विजुअलाइजेशन ऑफ क्लू सेल्स इन अ स्टेंड सीमर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज इज हाईली सजेस्टिव ऑफ गार्डनर ला वेजाइनलिस ट्राइकोमोनाइसिस कैंडिडाइटिस एंड क्लाइमोडियल इन्फेक्शन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए गार्डनेला वेजाइनलिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन द डायग्नोसिस ऑफ ए केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज अल्ट्रासाउंड MRI लेप्रोस्कोपी एंड कलर डॉपलर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लेप्रोस्कोपी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड कट ऑफ एपिजियोटॉमी जे सेप्ड मेडियन मेडिकोलैटरल एंड लैटरल एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेडिकोलैटरल ऑप्शन नंबर सी. बाइसेप्स स्कोर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट हेड स्टेशन स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन सर्वाइकल इफेक्समेंट सर्वाइकल कंसिस्टेंसी एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 45 ईयर्स ओल्ड वोमेन presented with menorrhagia and dysmenorrhea. Examination revealed an enlarged uterus to about 12 week size which was soft and tender. The possible diagnosis is PID adenomyosis endometriosis uterine fibroids and the correct answer is adenomyosis option number B. Oral contraceptives give protection against all of the following except rheumatoid arthritis, endometrial cancer, hepatic adenoma, benign breast disease. And the correct answer is hepatic adenoma, option number C.
विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स हैज अटैचमेंट ऑन द कैप्सूल्स ऑफ हिप ज्वाइंट सार्टोरियस रेक्टस फीमोरिस वेस्टस लेटरलिस वेस्टस मेडियलिस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रेक्टस फीमोरिस. फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय इंजुरी टू टीबियल नर्व इंजुरी टू पॉपलिटियल नर्व इंजुरी टू फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस इंजुरी टू कॉमन पेरिनियल नर्व एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंजुरी टू कॉमन पेरिनियल नर्व ऑप्शन नंबर डी. राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ऑल एक्सेप्ट अपेक्स ऑफ हार्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इंटर आर्टेरियल सेप्टम एस ए नोड एंड द करेक्ट आंसर इज अपेक्स ऑफ हार्ट ऑप्शन नंबर ए. हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉर्निया कंसिस्ट ऑल ऑफ एक्सेप्ट कोरोनियल एपिथेलियम एंटेरियर इलास्टिन लेमिना पोस्टेरियर इलास्टिन लेमिना इन्फेरियर इलास्टिन लेमिना एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन्फेरियर इलास्टिन लेमिना ऑप्शन नंबर डी. ए पेशेंट ऑफ रूटीन एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन वाज सीन हैविंग एन एक्स्ट्रा रिब द मोस्ट प्रोबेबल आर्टरी विच कैन बी कंप्रेस्ड इज सबक्लेवियन आर्टरी वर्टिब्रल आर्टरी कैरोटिड आर्टरी बैसिलरी आर्टरी. द करेक्ट आंसर इज सबक्लेवियन आर्टरी ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट पिर्सा एस्क्लेरला ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक आर्टरी सिलियरी नर्व रोनाइड वेन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्टिक आर्टरी ऑप्शन नंबर बी. इफोर्ट ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन इज ड्यू टू रिस्पायरेटरी एयर पैसेजेज एल्वियुलर एयर स्पेसेज क्रिएटिंग नेगेटिव प्लूरल प्रेशर लंग इलास्टिसिटी एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लंग इलास्टिसिटी ऑप्शन नंबर डी. ऑल आर इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक्सेप्ट इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट इंक्रीज रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज्ड हार्ट रेट इंक्रीज्ड कंडक्शन वेलोसिटी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज रिफ्रैक्टरी पीरियड. ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेसिस्टेंस सिस्टोलिक प्रेशर एंड पल्स रेट डायस्टोलिक प्रेशर एंड पल्स रेट एंड पल्स प्रेशर एंड पल्स रेट एंड द करेक्ट आंसर इज कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेसिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSF प्रेशर इज मेनली रेगुलेटेड बाय वेनस प्रेशर सेरेब्रल ब्लड फ्लो रेट ऑफ CSF फॉर्मेशन रेट ऑफ CSF absorption एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेट ऑफ CSF absorption ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट फैसिलेटेड डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एंड द करेक्ट आंसर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन नंबर ए. रेनिन इज सिक्रीटेड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कलेक्टिंग डक्ट लूप ऑफ हेनले प्रोक्सिमल ट्यूबल एंड द करेक्ट आंसर इज जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेनुलेशन टिश्यू अपीयर्स ड्यू टू ए थ्रम्बोस्ट कैपिलरीज बी क्रोनिक इंफ्लामेटरी सेल्स सी बडिंग एंड ऑफ कैपिलरीज एंड डी नेक्रोसिस एंड द करेक्ट आंसर इज बडिंग एंड्स ऑफ कैपिलरीज ऑप्शन नंबर सी.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्टेन ऑफ सर्वाइकल साइटोलॉजी? ए लिस्मैन, बी जिमेसा, सी पैप एंड डी एच एंड ई, एंड द करेक्ट आंसर इज सी पैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ग्रे हिपेटाइजेशन ऑफ लोअर निमोनियाज एल्वियोलाई आर फिल्ड विथ फाइब्रिन ऑर्गेनिज्म आरबीसी डब्ल्यूबीसी, द करेक्ट आंसर इज फाइब्रिन, ऑप्शन नंबर ए। कैगुलेटिव नेक्रोसिस इज नॉट सीन इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ट्यूबरकुलोसिस, थर्मल इंजुरी, जेंकर डीजेनरेशन नेक्रोसिस, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्यूबरकुलोसिस। एपोप्टोसिस इज रिवर्सिबल सेल इंजुरी, इररिवर्सिबल सेल इंजुरी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ड्रेंज सेल्ड सेल मेटाबॉलिज्म, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ऑप्शन नंबर सी। मैलोरी बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ प्री क्रिएटिन, न्यूट्रोफाइब्रिल्स, माइक्रोट्यूबुल्स एंड विमेंटिन, एंड द करेक्ट आंसर इज प्री क्रिएटिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट इम्पेयर्ड ऑफ फिंगर प्रिंट पैटर्न अकर्स इन केसेज ऑफ लेप्रोसी, रिकेट्स, एक्जिमा, एक्रोमेगाली, एंड द करेक्ट आंसर इज लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम ब्लड एल्कोहल लेवल अलाउड फॉर ड्राइविंग इन इंडिया इज 20 mg%, 30 mg%, 50 mg%, 80 mg%, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 30 mg%। द अर्लीस्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ ऑटोलाइसिस इज सीन इन कॉर्निया, कंजनक्टाइवा, एस्क्लेरा, आयरिस, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉर्निया, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटीडोट इन ग्लास पाउडर पॉइजनिंग? ए बल्की फूड, बी एक्टिवेटेड चारकोल, सी डुमलसेंट एंड डी चिलेटिंग एजेंट, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई बल्की फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इन ब्लड कॉजेज कैनोसिस? बिटवीन 1 to 2 gram%, बिटवीन 2 to 3 gram%, बिटवीन 3 to 4 gram%, मोर देन 5 gram%, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोर देन 5%, ऑप्शन नंबर डी। इन फीमेल विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स कंटेंस डेविडसन बॉडीज? इश्नोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ऑल ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज बेस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, कोनॉट स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज, इकोलॉजिकल स्टडीज, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी कोहार्ट स्टडीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसइंफेक्शन ऑफ यूरिन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीकरेंट डिसइंफेक्शन, टर्मिनल डिसइंफेक्शंस, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन एंड डी एस्टरलाइजेशन, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस प्रोटीन? मिल्क, मीट, फिश, एग, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेप्रोसी कॉमनली स्प्रेड बाय मिल्क ड्रॉपलेट वाटर मॉस्किटो. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ड्रॉपलेट. जीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ बिफोर गिविंग डीपीटी वैक्सीन व्हेन चाइल्ड इज हैविंग डायरिया व्हेन चाइल्ड इज हैविंग पोलियो एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एट बर्थ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन एंड वाटर वेपर एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड. सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्त में और जो एमडी के प्रिपेयर्ड कर रहे हैं एग्जामिनेशन ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए उन्हें ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी तैयारी में मदद मिल सके. दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले सीरीज के साथ मिलूंगा. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.